हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ऐसे क्या दिख रही हो? पोहा है भाई, तुम्हारा फेवरेट, और मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है, मैंने अपने हाथों से सर्वेंट्स के सर पे टपली मार मार के उनसे बनवाया है। अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, खाओ लो। क्या मुझे सत्या को सब बता देना चाहिए? कल क्या बनूं? मतलब कल क्या बन पाऊं? सैंडविचेस, वॉफल्स, एग्स, पैनकेक्स, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, जूस। जूस जूस लाना भूल गया, खा लेना, लेके आता हूं। भाई आप यहां क्या कर रही हैं? अंदर जाइए, उसको नाश्ता कराइए, मैं जूस लेके आता हूं। कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे बगैर उसका कुछ भी पूरा नहीं होता है। प्लीज ऐसा मत करो, इट्स टू रिस्की, मत करो ऐसा। ये डिसीजन वापस ले लो माही, प्लीज। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मामा, हम बाद में बात करेंगे। भाई आने वाला बच्चा तेरे दादू के लिए तो बड़ा शुभ है, है? उसके आने से पहले देख, कल तो मैंने डांस भी किया, है? अब मैं बोल भी ठीक लेता हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा हूँ, अब मैं अपने बच्चे को ना अपनी गोदी में खिला सकूंगा। अरे दादाजी नाचने वाली तो बात है, बच्चे आने वाले, बच्चे ट्विंस ट्विंस, और देख लेना ये बच्चों के पापा का इंस्टिंक्ट है कि लड़का और लड़की दोनों होने वाले हैं, बेटा और बेटी दोनों। अब नाम भी आप वैसे ही सेलेक्ट कर लेना, कहीं पता चला लड़की का नाम सुरेश रख दिया। लक्ष्मी तो जरूर होगी, मैं गारंटेड स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। जल्दी से नाम ढूंढना, कोई अच्छा सा नाम निकाल यार, मजा आ जाए। सत्य हाँ? मुझे आज तुम्हारे साथ बैठकर बेबी केयर की सारी बुक्स पढ़नी है, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ पुत्र पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना। अरे यार तुम्हारी भी ना सुई अटक गई है वहां पे, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिख नहीं रहा तुम्हें दादा और पोता लगे हुए हैं जरूरी काम में। अरे बच्चों के नाम डिसाइड नहीं करेंगे तो किताबें पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे हम? सत्या ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो, बुक्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ओफो, माही व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, को जरूरी काम कर रहे हैं यार, पूरी लिस्ट बनानी है नामों की। तुम जाओ जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड सत्या, ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो, प्लीज थोड़ा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर सीरियस हो जाओ तुम। इसे क्या हो गया? ओह गुस्सा मत करना है, प्रेगनेंसी में अक्सर लड़कियों का मूड स्विंग होता है, सिमरन जी का भी ऐसे ही हुआ था, पर तू गुस्सा मत करना, प्यार से हैंडल कर लेना, ठीक है? माही, 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 दरवाजा खोलो माही, माही। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये दरवाजा बंद करके बैठ गई, अचानक चिल्ला के चलेगी, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, दिमाग में क्या चल रहा है इसके? ऐसा कुछ नहीं है सत्या, वो एक्चुअली प्रेगनेंसी में ना ऐसा मूड स्विंग्स तो होता है, इट्स नॉर्मल। सासू मम्मी मूड स्विंग्स, मगर ऐसे भी क्या मूड स्विंग्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स नॉर्मल सत्या, तुम टेंशन मत लो। सासू मम्मी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ऐसा जानती हैं जो मैं नहीं जानता? अगर
अगर कोई भी ऐसी बात है तो मुझे बताइए, मेरा जानना जरूरी है। नहीं सत्या, कुछ पता नहीं है। तुम काम का सोच रहे हो। सासू मम्मी, ऐसा कुछ भी तो नहीं। सासू मम्मी, मेरी बात। प्रेगनेंसी रिपोर्ट के हिसाब से माही की जान खतरे में है। मैं भी तुम्हें ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या होगा। Why don't you understand, सत्या? प्लीज थोड़ा मेरी प्रेगनेंसी को लेकर सीरियस हो जाओ तुम। ऐसा क्यों किया तुमने माही? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या लगा तुमको कि तुम्हारे बिना मेरे चेहरे पे मुस्कान रह पाए? तुम्हारे जाने के बाद मैं खुश रह पाऊंगा? ये गलत है माही। जिस तरह अब मेरी जिंदगी पे सिर्फ मेरा हक नहीं है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी पे अब सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। ये फैसले हमारी जिंदगी के फैसले हैं। ये फैसले लेने का मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है, और ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकते। क्यों करना चाहती थी ये सब कुछ तुम? मेरी खुशी के लिए? मेरी खुशी के लिए माही? मगर मेरी खुशी तो तुमसे है, मेरी खुशी तुम्हारे साथ में है, और ये साथ जिंदगी भर का है माही। ये साथ में टूटने नहीं दूंगा। सत्या, सत्या, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले?
ला भाई ला लड्डू सिंह, अदरक डलवाई है ना इसमें? हाँ डलवाई है। अच्छा थैंक यू। हाँ मजा आ गया। अच्छे हाँ देख मितुल, बिना तेरे डॉक्टर के पास जाए हुए मैं अपने आप को पहले से ज्यादा जवान महसूस कर रहा हूँ। कल तो मैंने डांस भी किया भाई, योगा में बड़ी पावर होती है। तुम दोनों भी ये बहस करने के बजाय ना योगा करना सीखो। ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। ये मैंने चूज किया है ना, जो मुझे पसंद आता वही तुझे लेना होता है। मैंने पहले पसंद किया था ना, और जो चीज मुझे पसंद होती है वही तुझे पसंद होती है, है? कुछ और नहीं। आप लोगों ने कहीं सत्या को देखा? सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं बाहर गया है क्या वो? हाँ मुझे भी सुबह से कहीं नहीं दिखा। बेटा गार्डन में होगा। हाँ बेटा दिखा तो मुझे भी नहीं, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रही है? यही कहीं होगा। हाँ आ जाएगा अभी, टेंशन ना ले। अब मैं फोन लगा कर चेक करती हूँ। नहीं ये मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे भी पसंद। फोन लगा, वो फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि सत्या मेरा फोन ना उठाए। अरे कहीं काम में बिजी होगा ना, इसलिए नहीं उठाए। मैं दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। ये लूंगी मैं, ये तू नहीं लेगी, ये मैं लूंगी। अरे मैंने पहले पसंद किया ना। मॉम सत्या मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ पता ना चल गया। पता चल गया हो? कहीं तुमने उसे बताया कुछ? मॉम आखिर मैं उसे क्यों कुछ बताऊंगी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सत्या को कुछ ना कुछ जरूर पता चल गया, वरना वो इस तरीके से कभी नहीं करता। मामा कल तक वो बच्चे को लेकर इतना एक्साइटेड था, कूद रहा था, खेल रहा था, तैयारियां कर रहा था, और आज सुबह अचानक से इस तरह से गायब हो गया, मेरे फोन तक नहीं उठा रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माही की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है सत्या, वो तो उस दिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती थी मगर माही ने मुझे रोक दिया। उसने ही फोर्स किया कि ये बात मैं आपको ना बताऊं और ये प्रेगनेंसी का रिस्क लूं। स्टूपिड इज दैट, ये क्या बात हुई? ये प्रेगनेंसी ये कंटिन्यू करना या नहीं करना, बच्चे का होना या नहीं होना, ये हम दोनों का डिसीजन, उसके अकेले का नहीं। वो अपने साथ इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, और आप भी डॉक्टर साहब इस तरीके से इरेस्पॉन्सिबल, वो ऐसा नहीं कर सकती है। और हाँ सवाल बच्चे का, तो मेरे लिए माही, उसकी हेल्थ, उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं और माही साथ रहेंगे तो हम बच्चे के बारे में फिर सोच सकते हैं। अब आप सिर्फ माही के बारे में सोचिए। I'm sorry to say सत्या, मगर बात इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। अबॉर्शन के बाद माही कभी माँ नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, जैसे मैंने कहा आप वैसा ही कीजिए। मेरे लिए माही की जिंदगी उसकी सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। ओके बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप उसका ख्याल रखिए बस। ओहो कुरान साहब की किताबें बंद करो ना, मैं सजेस्ट करती हूँ जैजी, हनी, बादशाह। हे भगवान, ची 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 ची, ये भी कोई नाम है? नाम मैं देती हूँ, लड़का हुआ तो दीपक, लड़की हुई तो मो मोनुआ, बिश्ती, बहुत अच्छा नाम है ना? बस ये कोई नाम है? ओ भाई आप लोग कैसे नाम बता रहे हैं?
और भाई नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सुन के पता ही ना चले कि बंदा पंजाब से आया है या बंगाल से आया है। भाई नाम में ग्लोबल अपील होनी चाहिए, ग्लोबल अपील। जैसे? जैसे कि जैसे कि राज, नाम तो सुना ही होगा। कभी नहीं। नहीं? कभी नहीं? नहीं। कमाल है, सिमरन जी तो कहती थी कि भाई आपके नाम में बड़ी ग्लोबल अपील है, लगता है मेरा दिल बहलाने के लिए कहती थी। बेचारी गलतफहमी की शिकार थी। क्या मतलब? लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हमें नाम सोचने। हाँ, नाम, नाम। शेंकी, ठी, शुभाष, टिम्मी, रागिनी। ओए ओए ओए, एक मिनट यार, और ये कैट वॉक के जमाने में आप लोग कैट्स और डॉग्स की तरह से फाइट करते हो ना, ये बड़ी गलत बात है। अरे भाई बिल्लियां परेशान हो जाती है, आपको पता है? वाइल्ड लाइफ वालों को पता चला तो हमारे घर नोटिस आएगा, हम सब के सब जेल में होंगे। आप ये बात याद रखो कि बच्चे के नाम में माँ बाप की सहमति भी जरूरी होती है, उनका एग्रीमेंट लेना पड़ेगा ना। ये पहली बार आपने ना पते की बात की है खुरान साहब। वो तो 100% का नाम भी तो सोचो भाई। ओ ये देखो, माँ का जिक्र किया, उधर माँ आ गई। ओ माँ, ओ आजा पुत्र, इधर आजा, इधर आजा। भाई हम लोग अभी बच्चे के नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और थोड़ी देर बाद हम बच्चे के स्कूल को लेके भी लड़ेंगे। नाम और स्कूल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, है ना। बट डोंट वरी, नाम क्या होगा, स्कूल क्या होगा, ये तुम दोनों ही तय करोगे, हम तो सिर्फ ऑप्शन देंगे तुमको। माही पुत्र। क्या वो पुत्र? अरे माही। पायल जी, क्या बात, क्या हुआ इसको? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है, मैं देख कर आती हूँ। ओह अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, पायल है ना, देख लेगी वो। हम तो नाम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और आज तो नाम फाइनल करना ही करना है। सुरेश किधर आओ। सत्य, क्यों चिल्ला रहे? ये लो, रखो इसको, और ये भी, ये सारा सामान वो स्टोर रूम है ना, वहां लॉक करना है सारा कुछ। ये लो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई ये? रखा, वो भी उठाओ। ये क्या पागल हो गया क्या, कर क्या रहा है? सत्रे? ये लो। सत्रे क्या रहा है? इसको भी रखो। आएगा भी? वो माही की कमरे में जितनी पेंटिंग्स है ना बच्चों की, वो सारी लपेटो और स्टोर रूम में लॉक कर दो, समझ गए? अरे सत्रे तो मेरी बात सुनोगे, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ दिन में हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गुजरने वाली, और तुम ये सब भेज रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और क्या कीमत है उन किलकारियों की? क्या लगता है तुम्हें, मैं नहीं जानता कि कौन सी कीमत चुका के तुम वो किलकारियां हमारी जिंदगी में लाना चाहती हो। क्या लगता है तुम्हें, मुझे पता नहीं है, तुम्हारा पति अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, जान लेना चाहती हो अपनी, मारना चाहती हो खुद को। किस लिए? मेरी खुशी के लिए? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम अगर मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं खुश रह पाऊंगा? वो किलकारियां मैं सुन भी पाऊंगा? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारे चले जाने में मेरी खुशी है? क्या खाक समझा है तुमने मुझको इतने वक्त? क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात समझ लो, जब तक मैं हूं ना, जो तुम सोच रही हो वो होने नहीं दूंगा। अरे ये बताएगा कि बात क्या है, हम लोगों से क्या क्या छिपाया जा रहा है?
तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्यों? अपनी जान के साथ खेलने की हिम्मत है लेकिन अपने परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। सच ये है कि माही की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये बच्चा डिलीवर होता है तो माही की जान भी जा सकती है।